बाबर आजम एक बार फिर बन गए मुगले आजम बॉस। 14वां ओडीआई शतक, द फास्टेस्ट टू रीच दैट माइलस्टोन। बाबर तो चमक रहे हैं पर पाकिस्तान वॉज एब्सोल्यूटली फीका। 3-0 से हार गए हैं श्रृंखला इंग्लैंड के सामने, और वो इंग्लैंड की थी परहैप्स द बी और द सी टीम। पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक बहुत खूबसूरत सी मैं हिस स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, और ट्रिविया आज का ये है, कौन सा था वो पाकिस्तान का बल्लेबाज जो फास्टेस्ट टू 4000 ओडीआई रन्स था, जानते हैं आप उसका नाम? आकाशवाणी बात कर रहे हैं हम बाबर आजम की। बाबर ऑफकोर्स इज अ क्वालिटी प्लेयर, यू ऑल नो दैट, और उनके उतने ही फैंस हर तरफ है क्योंकि इज द यंग गाय हुज कॉन्करिंग द वर्ल्ड। बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। इंग्लैंड का जब दौरा शुरू हुआ तो उम्मीद थी भाई कप्तान भी हैं अब तो कि अच्छा करेंगे, और खास तौर से तब तो और भी अच्छा करने की उम्मीद थी उनकी भी और टीम की भी। जब सामने वो पूरी इंग्लैंड की जो मेन टीम थी वो कोविड पॉजिटिव, उसमें कुछ केसेस आते हैं, वो आइसोलेशन में चली जाती है, एक नई टीम पिक की जाती है, और उस टीम में उतना दमखम ऑन पेपर नजर नहीं आया था। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करेगा, बाबर बहुत रन बनाएंगे, पर पहले दो मैचेस में एकदम फूस पटाखा था यार, कुछ नहीं हुआ। दो मैचेस एकदम एक तरफा अंदाज में इंग्लैंड जीत जाती है, और पहले दो मैच में आप श्रृंखला हार जाए, दैट्स अ बिट ऑफ एन एम्बैरेसिंग थिंग कि आप फर्स्ट टीम के सामने भी नहीं खेल रहे हैं, आप सेकंड टीम के सामने खेल रहे हैं और अपनी श्रृंखला हार चुके हैं। बट देन लास्ट गेम, ऑफकोर्स लास्ट गेम भी हार गए, 3-0 से हार गए, उसकी बात बाद में करूंगा, पर पहले बाबर की बात करते हैं। क्योंकि बाबर 14वां ओडीआई शतक, बहुत तेजी से, मतलब रफ्तार से आगे की तरफ चल रहे हैं, और मैंने एक्चुअली इस मैच से पहले अपनी वो फैंटेसी टीम भी बनाई थी, उसमें मैंने उनको कप्तान बनाया था। वो इसलिए बनाया था कि मैंने कहा फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। अब ये दो मैचेस में अच्छा नहीं किया है बतौर कप्तान, ऑफकोर्स थोड़ा सा और दबाव इन पे रहता है, तो अब तो फॉर्म में आएगा लड़का, और जब आएगा तो छाएगा। और ऐसा उन्होंने किया, पहले जो 50 रन थे वो 70 गेंदों में बनाए, बहुत धीमे 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 चलते रहे, और उसके बाद के जो 50 रन थे वो 32 गेंदों में बनाए, मतलब एक्सेलरेशन वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। 150 के ऊपर जाना, द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय पाकिस्तानी बैट्समैन इन पाकिस्तान इंग्लैंड ओडीआई, वो भी उन्होंने बना दिया। रिजवान के साथ एक अच्छी साझेदारी की और टीम को भी अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया, पर उसके बाद वंस अगेन द टीम फॉल्टर्ड। मतलब इस बार अभी तक बोलिंग ठीक ठाक चल रही थी, बैटिंग बहुत पीछे रह रही थी, इस बार बैटिंग ठीक ठाक हुई तो बोलिंग बहुत पीछे रह गई। बट देन बाबर आजम वंस अगेन, उन्होंने तो अपना स्टेक किया है, एक बार क्लेम की आप देखिए, जब आप भी बनाते ना 5-4, 5-5, 5-6, मेरा नाम आप जरूर रखिए उस सूची में, कहीं ना कहीं इर्द गिर्द मुझे कम से कम अपने ख्यालों में, दुआओं में, अपने सोच में जरूर रखिए, क्योंकि खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है और टेक्निकली बहुत कॉम्पैक्ट है। और अगर आप खास तौर से इंग्लैंड में जाकर रन बनाते हैं, 150 जैसा बड़ा स्कोर बनाते हैं, तो फिर आपकी ना वो कहते हैं रेपुटेशन और वो जो इज्जत में इजाफा होता है, तो इन जनाब की इज्जत में इजाफा एक बार फिर हो गया, बिकॉज ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। मैच मतलब ऑफकोर्स इनिंग्स को एक्सेलरेट भी किया, कंस्ट्रक्ट भी किया, आगे की तरफ भी लेके गए, और टीम के लिए रन तो बनाए पर टीम को मैच नहीं जिता पाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान इसलिए कि अब 3-0 से हार गए हैं, सामने वाली टीम में ना मतलब वो दमखम ही नहीं है, मतलब बड़ी मुश्किल से उन्होंने आखिरी मोमेंट, मतलब ना 11th आवर सबको शायद मैसेज किया होगा, भाई साहब अवेलेबल हो खेल लो इंग्लैंड के लिए, हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है। द सेकेंड स्ट्रिंग टीम, उससे आप पूरा मैच हार गए, पूरा मैच श्रृंखला हार गए, 3-0 से हार गए। और दैट्स ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, ये शायद दूसरी बार ही हुआ है पूरे वो क्रिकेट के इतिहास में जहां तीन मैचेस की श्रृंखला खेली गई हो और सिर्फ 22 ही खिलाड़ी खेले हो, 11 खेले इंग्लैंड के, वही 11 लगातार खेले, क्योंकि उनके पास तो एक्स्ट्रा थे ही नहीं, कहां से लाएंगे और एक्स्ट्रा प्लेयर्स। पर पाकिस्तान के पास पूरा मतलब जमावड़ा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ 11 ही खिलाड़ी खिलाए, दोनों टीम के सिर्फ 11 खिलाड़ियों के चलते टोटल 22 खिलाड़ी खेले, 23वां खिलाड़ी नहीं खेला, ना कोई इंजरी, ना कोई फॉर्म, ना कोई और बात, कोई बाहर नहीं गया। लेकिन जो हार है उसके लिए बल्लेबाजों को थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मिलकर काम करना पड़ेगा, कभी इमाम रन बनाए, कभी फकर बनाए, कभी बाबर बनाए, वो काम होता नहीं है, सारे जब तक मिलकर नहीं बनाएंगे देयर इज नो चांस फॉर एवरी एशियन टीम, लेट्स बी ऑनेस्ट। अगर आपको एज एन एशियन टीम इंग्लैंड में जाके जीतना है तो आपको रन बनाने पड़ेंगे, टेस्ट मैच में 4-4.5 सेशन खेलने पड़ेंगे, वनडे के अंदर आपको मतलब वो जो पार स्कोर है उससे थोड़ा सा इर्द गिर्द पहुंचना जरूरी है, अगर आप उसके बहुत पीछे रह गए ना देयर इज नो चांस, यू नॉट गोना बी कंपेटिटिव एट ऑल। बोलर जो है वो हमारे यहाँ के आजकल मुल्कों के ठीक ठाक कर लेते हैं, बैटिंग जो है वो टेंस टू लेट यू डाउन। बताइए ये तो कहानी थी भाई बाबर आजम की, ऑफकोर्स यू ऑल हेलिंग बाबर आजम द न्यू मुगले आजम, पर पाकिस्तान टीम दे शुड बी स्लाइटली नॉट एम्बैरेस्ड, परहैप्स इज नॉट अ ग्रेट वर्ड, पर थोड़े से दुखी तो होंगे यार कि इससे ज्यादा उम्मीद थी लेकिन वैसा काम हुआ नहीं। अब जरा पाकिस्तान की आपको स्टोरी में जाता, स्ट्रॉन्ग बनाया गया था पाकिस्तान जब 2004 में, उसकी बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी है, मैंने शेयर इट विद यू वंस अगेन। खुशामदीद खुशामदीद, आए आए प्लेट उठाएं, कुछ नोश फरमाएं, पेश है मटन रोगन जोश,
चपली कबाब, यखनी पुलाव, निहारी, बताएं क्या खाएंगे आप जनाब? ऐसा पूछा हमारे पाकिस्तानी मेजबानों ने जब हम हिंदुस्तानी मेहमान पहुँचे मुल्तान 17 साल के लंबे अंतराल के बाद। जब पड़ोसी इतने सालों बाद घर आए तो मेहमान नवाजी तो लाजमी है ना? तो ये देखिए, सभी भारतीय खिलाड़ी मजा उठा रहे हैं पाकिस्तान के बेहतरीन लजीज खानों का। भाई कुछ भी कहो, नॉन वेज खाना तो बड़ा ही कमाल का मिलता है हमारे पड़ोसी मुल्क में। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं कैसे कहूँगा भाई, क्योंकि स्टोर पर जब सारी टीम उठा रही थी लुत्फ ऐसे लजीज खाने का, तो मैं आकाश चोपड़ा, इंडियन टीम का ओपनर, खड़ा एक कोने में ये सोच रहा था कि भाई मैं खाऊं तो खाऊं क्या। मैं ठहरा शुद्ध खालिस शाकाहारी आदमी। हमारे घर में तो भैया अंडा भी नहीं बनता, चिकन मटन तो दूर की बात है। अब ऐसे में मेरी दाल यहाँ कहाँ गलती। मायूस मैंने रूम में वापस जाना ही बेहतर समझा। मेन्यू कार्ड खोला तो समझ में आया, भैया पाकिस्तान में शायद सब्जी मिलती ही नहीं है। बहुत देर सोचने के बाद फोन उठाया, उधर से शेफ बोले क्या पेश करूं जनाब। तो मैंने बड़ी आस लगाकर बोला एक कटोरी दाल और एक रोटी भाई साहब। शेफ ने बड़ी विनम्रता से कहा जी जनाब। कुछ देर बाद जब रूम की घंटी बजी और वेटर खाना लाया तो समझ में आया कि ये वेज नॉन वेज की बात नहीं थी, ये हमारे तुम्हारे की भी बात नहीं थी, ये बात थी उस सांझी सभ्यता की, उस भाईचारे की, उस अपनेपन की, उस हिंदुस्तान की जो कभी एक था। दाल रोटी का जवाब शेफ ने दिया एक शुद्ध शाकाहारी दावत से, जिसमें अनगिनत सब्जियां, दालें, पुलाव, रायता और अलग अलग किस्म के मीठे पकवानों से। अब इतना खाना देखकर मैंने फोन उठाया, शेफ को नंबर लगाया और पूछा कि इतना खाना क्यों भेजा भाई, मुझे सिर्फ दाल रोटी चाहिए। उन्होंने कहा आप सिर्फ दाल रोटी के पैसे ही देना, बाकी हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। उस रात टीम के सभी प्लेयर्स ने मेरे साथ शाकाहारी खाना खाया, स्वाद ऐसा जैसे माँ ने बनाया हो। कहते हैं ना, खाना तो केवल बहाना है, पेट तो सिर्फ प्यार से ही भर जाता है। अच्छी लगी ना स्टोरी, बढ़िया थी ना स्टोरी, आई टेल यू इट्स फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। बट देन जो मैंने आपसे सवाल पूछा ट्रिविया था, ट्रिविया का जवाब आपको याद है, कुछ पता है आपने कुछ ड्राइव मारा नहीं मारा, जो फास्टेस्ट टू 4000 ओडीआई रन्स ये थे मोहम्मद यूसुफ, बड़ा एलिगेंट प्लेयर थे ना मोहम्मद यूसुफ, बड़े अच्छे से खेलते थे। यूसुफ योहाना के नाम से पहले जाने जाते थे, उसके बाद ये मोहम्मद यूसुफ बने और बैटिंग बड़ी अच्छी करते थे। ही वॉज द फास्टेस्ट, मात्र 110 पारियों में वो 4000 के आंकड़े तक पहुंच गए थे। तो यार बड़ा अच्छा बैटिंग इनकी, हम बात करते हैं वैसे पाकिस्तान की गेंदबाजी की, बहुत अच्छी लेगेसी है फास्ट बॉलिंग की, लेकिन और बॉलिंग की इनफैक्ट मुश्ताक अहमद, सकलिन, मुश्ताक सईद आजमल, बहुत सारे शाही अफरीदी, यू गॉट लॉट्स ऑफ लाइक गुड क्वालिटी बॉलिंग है, पर बैटिंग भी इंजमामुल्ला, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, सईद अनवर, आई मीन बैटिंग भी वैसे इस टीम की बड़ी क्लास रही है, और उसमें बाबर आजम उस सूची में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, कल फिर कुछ और गुफ्तगू करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। इनफैक्ट वर्ल्ड टीसी की इस बार अभी आईसीसी ने कंफर्मेशन कर दिया कि भाई कौन कितने मैच खेलेगा, कहां खेलेगा, कैसे खेलेगा, कितने पॉइंट्स होंगे, उसकी बात हम कल करेंगे। अभी सिर्फ आप कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, जाते जाते हमें शॉर्ट देखिए, सुनिए मेरी आकाशवाणी और अपने प्रोफाइल पे इसको पिन कर लीजिए। पहाड़ों में पगडंडी सी ये पिच बनाई है और जबरदस्त यॉर्कर, दो स्टंप्स बाहर, क्या बात है। एक बार फिर इस बार कदमों का इस्तेमाल तो किया पर जड़ से उखाड़ दिया दो स्टंप्स को, क्या गेंदबाज है।